कांग्रेस नेता आराधना मोना मिश्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज आपने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और आप क्या विशेष मुद्दा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है कि हम कोविड की लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, और यही लगातार हमारे राहुल गांधी जी ने लगातार सरकार से कहा भी। दिसंबर में भी उन्होंने ये बात कही थी, सेकेंड वेव की बात भी कही थी। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और पूरे दुनिया में इस बात ने को मान लिया है कि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश को वैक्सीनेट करने की जो आज की तारीख में ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सबको वैक्सीनेशन हो और मुफ्त वैक्सीनेशन हो, ये एक तरीका है देश को कोविड से बचाने का, जिसमें सरकार ने स्लॉट फिक्स किए हैं कि 18 से 44 साल या उसके बाद इसको समाप्त करना पड़ेगा। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सबके लिए ओपन करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास क्या प्लान है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रही है। नहीं, वैक्सीनेशन, वैक्सीन खरीदना और उसका डिस्पर्समेंट ये तो सरकार ही कर सकती है। हम और हमारा जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, हम सरकार को असिस्ट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, पर क्रय करना, मैन्युफैक्चरिंग और उसका डिस्पर्समेंट, लोगों तक कैसे वैक्सीन पहुँचे, तो सरकार अपनी मशीनरी का, हम तो सुझाव दे सकते हैं, हमने सुझाव दिया कि लगातार जिस तरह से हमारे पहले के वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस मॉडल को सरकार को फॉलो करना चाहिए। प्रेस वार्ता में आपने बताया कि राष्ट्रपति को भी इस संबंध में पत्र लिखा जी पत्र लिखा है हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी ने, उसकी प्रति भी मैंने दे दी है कि किस तरह से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन एंड फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो श्री जी, जिनका कहना है कि वैक्सीनेशन जो सरकार की तरफ से की जा रही है उसको और बेहतर करने के लिए सरकार को ये जो स्लॉट पॉलिसी है इसको ख़त्म करना चाहिए, साथ ही साथ जो जो पोलियो के लेकर जो पॉलिसी बनी थी उसके तहत काम करना चाहिए। टेन्यू शिवम गुप्ता, नोएडा।